हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डे टू है हमारा यहाँ जर्मनी ऑस्ट्रिया बॉर्डर में। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है, सुबह से बारिश हो रही थी। तो आज का प्लान है एरेनबर्ग कासल और उसके आसपास के प्लेसेस को एक्सप्लोर करना। सुबह से अभी बारिश रुकी है तो फटाफट निकलने का प्लान। तो एंट्री फी है 8 यूरोस पर पर्सन, विच इंक्लूड सस्पेंशन ब्रिज, कासल एंड म्यूजियम इंक्लूडेड भी है। लिफ्ट के लिए एक्स्ट्रा पे करके लेना पड़ता है, हमने नहीं लिया था। तो एंट्री कुछ ऐसा है इसका, अगर लिफ्ट से जाना चाहते हो तो दूसरा रास्ता है और पैदल चलने के लिए अलग रास्ता है। यही वो छोटू सा लिफ्ट है जो थोड़ा बहुत पे करके आपको नीचे से ऊपर डायरेक्टली लेके जाता है, लेकिन हम लोग नहीं ऑप्ट किए हैं इसको। हम लोग चले पैदल 11 नंबर की गाड़ी से। सिक्स तक इस कासल का ये हालत था, उसके बाद रेनोवेट करके टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। कासल जाने से पहले हम जाएंगे सस्पेंशन ब्रिज पे, जिसे हाईलाइन 179 भी बोला जाता है। माय गॉड, थोड़ा नीचे देख के देख रे। हाँ पकड़ के ही चल रहे। आई ट्रस्ट साइंस, आई ट्रस्ट फिजिक्स, आई विल डांस। अरे यहाँ तो नहीं गिरेगी मुटकी। यहाँ तो दोनों साइड जाली है। ये
थाईलैंड 179 वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज है, जिसे 2014 में बनाया गया था दो पहाड़ों के बीच, जिसपे एरेम्बर्ग कासल रुइंस एंड फोर्ट क्लॉडिया हैं। इस ब्रिज का लेंथ है 1322 फीट और हाइट है 360 फीट यानी 110 मीटर्स। एरेम्बर्ग कासल सी लेवल से 230 मीटर्स ऊंचाई पर है और ये कासल सिर्फ परफेक्ट लोकेशन के लिए ही नहीं, इसका हिस्ट्री के लिए भी फेमस है। एरेम्बर्ग कासल के चारों ओर स्थित हैं क्लॉस लोको फोर्ट और फोर्ट क्लॉडिया, जिन्होंने 30 साल के युद्ध के दौरान एरेम्बर्ग कासल पर अटैक किए और इसे डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल रहे। और यहाँ के म्यूजियम में देख सकते हैं 17th सेंचुरी वॉर में यूज किया हुआ वेपन्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और कमेंट में जरूर बताना विच इज योर फेवरेट स्पॉट ऑफ दिस प्लेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय बाय।